थोड़ा देख लेते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इनको। आपको क्या दिया हुआ है इसमें? कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ठीक है। आंसर कॉन्वेक्स लिख मिरर। लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास किसका है, कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला काम तो ये करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में ना हमेशा बताया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आएगी? नेगेटिव आएगी, तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। ना फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि अब जिससे मैं पूछ क्वेश्चन करूंगा वही आंसर करेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? क्यों चिन्ह में सर कॉन्वेक्स नेगेटिव। नेगेटिव होती है? याद नहीं करा ना बिल्कुल भी अभी तक भी? हाँ याद सर करा अच्छे ना। पॉजिटिव होती है। सर पॉजिटिव होगी ना बेटा? पॉजिटिव होती पॉजिटिव होगी, ठीक है। यस सर। है। ध्यान दो, ऐसे कैसे चलेगा? 15 सेंटीमीटर दे रखी है आपको फोकल लेंथ। फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। मतलब क्या, आपको सबसे पहला काम तो है कि वी निकालना है। तो वी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? मिरर फॉर्मूला लगेगा या मैग्निफिकेशन लगाओ, कौन सा मिरर फॉर्मूला फॉर्मूला लगाएगा? लगेगा। वन सर 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। अपॉन यू प्लस 1 अपॉन t है ना, मिरर फॉर्मूला लगाना है आपको। तो 1 अपॉन u, u मतलब -10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस 1 अपॉन v, v कितना है? v तो हमें निकालना ही है। तो ऐसा करना है, इसमें वैल्यू अभी मत रखो आप। हाँ पहले इसको फॉर्मूला बनाओ आप, उसके बाद ही वैल्यू रखो। तो यहाँ से 1 अपॉन v हम लिखेंगे, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू कितना जाएगा? 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u, ठीक है। तो 1 अपॉन f, f कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 किसका है? प्लस का आएगा। -1 अपॉन u, u दे रखा है आपको -10, तो ये -10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 10, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं कि तब भी आ 15 इंटू जाएगा टेन शिफ्ट। आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 15, यानी कि कितना हो गया? 25 डिवाइड बाय 15 इंटू 10। तो 5 से कैंसिल कर दें, 5 5 जा 8, 5 2 जा 10, देन 5 3 जा 15। तो आप लोगों के आंसर आप मैच कर वन लेना, वन अपॉन सिक्स अपॉन सिक्स आएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना जाएगा? 6 सेंटीमीटर, प्लस का 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तो आपको मिल सेंटीमीटर जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, ये सर यानी इमेज पोल से कितनी दूर है? 6 सेंटीमीटर। अब इन फ्रंट ऑफ द मिरर है कि बिहाइंड द मिरर है, बताओ? बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द बिहाइंड मिरर। द मिरर। और आपने ड्रॉ भी कर रखी है ये, ठीक है। तो आपको पता भी है कि बिहाइंड द मिरर ही बनता है, ठीक है। तो ये तो पहला आंसर इसका बन जाएगा। दूसरा आंसर ये कह रहे हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता है h' / h इज इक्वल टू -v/u। तो देखो साइज ऑफ द इमेज तो हमें कहीं दिया नहीं हुआ, ना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वी अपॉन यू वाला। तो एम इज इक्वल टू -v, v कितना है? देखो v कितना है आपके पास? 6। तो v की वैल्यू 6 रख दो। माइनस u कितना है आपका? -10। तो -10 रख दो, इससे इसको कैंसिल करो, टेन तो ये आ गया 0.6। तो जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्स मतलब m इज लेस देन 1। तो m इज लेस देन 1 है तो इमेज कैसी वर्चुअल बनेगी? एंड इरेगुलर इमेज। डिमिनिज्ड, डिमिनिज्ड बनेगी। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि कैसी बनेगी, ये डिमिनिज्ड बनेगी, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि डिमिनिज बनेगी क्योंकि m इज लेस देन 1 है। दूसरी बात ये है कि m जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। ये चीजें बहुत अच्छे से नोटिस करना, इस तरह से मैं पॉजिटिव सिखा रहा हूँ। है m तो पॉजिटिव आता है तो कैसी बनती है? वर्चुअल एंड सर वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, किस तरह से आपको आंसर ढूंढना है उसमें, क्यों चिन्ह में बताओ? आया समझ में? यस सर, बेटा साथ साथ पढ़ते यस जाओ और सर, पहले वो स्टडी करो जो अपने लिए जरूरी है, ठीक है। सब कुछ पढ़ना है यस आपको, सर, पर जो डेली का हो रहा है वो डेली पढ़ो। क्योंकि मैं आपको, देखो मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, यही नहीं आगे भी जो स्पेशली ये वाला चैप्टर तो मैं कहूंगा इसको अगर साथ साथ करोगे तो बहुत इजी है। क्योंकि आगे जो मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी है उसमें इतने ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आप कुछ लॉज याद कर लोगे, काम चल जाएगा उसके अंदर। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स है वो इसी में है, रिफ्लेक्शन में न्यूमेरिकल है, रिफ्रैक्शन में न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर क्या, साथ साथ लेके चलो। कहीं भी थोड़ा भी आपको साइन कन्वेंशन और इन चीजों में कंफ्यूजन रह गया तो फिर ये आगे फिर दिक्कत करेंगे, है ना। फिर आपको भी सर आपको मुझे देना। इधर प्रॉब्लम है, ये एम इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो ये वर्चुअल और रिडक्ट कैसे हुई है? ये आपको सिखाया था ना मैंने यहाँ पे, देखो आप, देखो आप यहाँ पे
ये पढ़ाया था ना आपको मैग्निफिकेशन मैंने, देखो यार, तो यह एम अगर कितना है यस सर। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या होगी, सर वर्चुअल रिलेक्ट। मैग्निफिकेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है? सर मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है मतलब हिंदी होता है में? कि जो भी आपकी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से कैसी बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, ये है चीज, डिमिनिश्ड होगी इनलार्ज्ड होगी, ये सब चीजें बताती है मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। यानी कि भाई साइज ऑफ इमेज क्या होगा एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज जो है वो मैग्निफिकेशन बताता है, ठीक है। सर ये नेचर में तो बस रियल और मतलब नेचर में तो बस अपन को रियल और उसका वही हाँ, बताना है ना कि वो बस यही इरेक्ट बताना है है। कि रियल और इन्वर्टेड है, वर्चुअल और इरेक्ट है, ये चीजें आपको नेचर में बतानी है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, आपको देखो इसका आंसर बताओ जिनमें, अगर मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है प्लस वन, सर मैग्निफिकेशन आपको कितना दे रखा है? यस सर प्लस वन दे रखा है, तो प्लस वन का मतलब, प्लस का मतलब क्या होगा ये बताओ, प्लस क्या बताएगा आपको, प्लस क्या चीज डायरेक्शन सर बताएगी? मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर सर डायरेक्शन एंगल बताएगा एंगल, हाँ बोलो सर, एंगल ये अपन बताओ। कि वो वर्चुअल हाँ है, इरेक्ट है या रियल है, सर ये इन्वर्टेड अपन है। बताएंगे कि जो वन बाय इमेज वन बताना है, प्लस ही हमको बता, प्लस बताएगा कि इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल एंड वर्चुअल डायरेक्ट है, ठीक है। और दूसरी बात, एम की एम इजिकल टू होता है क्या, एच डैश अपॉन एच, और एच डैश अपॉन एच इजिकल टू अगर वन कर दें तो एच डैश बराबर क्या आ गया, एच आ गया, यानी साइज ऑफ इमेज क्या आ गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आ गया। अब साइज ऑफ इमेज बराबर आ साइज ऑफ गया। ऑब्जेक्ट के बराबर कौन से मिरर में होता है बताओ, प्लेन मिरर में मिरर में, प्लेन कॉनकेव, मिरर में, प्लेन, कॉनकेव सर होता तो कॉनकेव में भी तो होता है। कॉनकेव होता तो यहाँ पर -1 आता इस जगह, समझ रहे हो बात को, आप सही कह रहे हो। कॉनकेव में अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया ऑब्जेक्ट को तो सेम साइज की इमेज बनती है, रखा पर तो वो यहाँ, इक्वल होगा। हाँ यहाँ पर माइनस आता उसके लिए, पर ये क्या है प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस मतलब हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वर्चुअल और डायरेक्ट जो बनती है सेम साइज की वो किसमें बनती है, प्लेन मिरर में। तो ये मैग्निफिकेशन प्लेन प्लस वन कौन से मिरर के लिए होता है बोलो, किसके लिए होगा, मिरर प्लेन मिरर के लिए होगा। बहुत आसान है ये चीजें, एक बार आपको दिमाग में सेट करनी है, ज्यादा अपना माइंड अभी इधर उधर नहीं करना, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उनको सीखते जाना है बस, अभी समझ में आया नहीं आया अभी भी बताओ, कुछ डाउट हो तो बोलो, ठीक है ना। नो सर नो अभी डाउट। सीखते जाओ जो जो सिखा रहा हूँ मैं चीजें। अब ये दे रखा है जैसे आपको कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एच इस प्लेस डेटा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेनी है, इसमें तो आंख बंद करके माइनस में लिख देना, यू इजिकल टू -20 माइनस सेंटीमीटर आ गया थ्री इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको मिरर कौन सा दे रखा है यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, ऊपर ही ऊपर पहले लिख लेना कि भाई ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर का, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, प्लस 30। पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपसे वी पूछ रहा है, वी कितना होगा, तो वी के लिए आपको मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूले के लिए आपको फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय, रेडियस अपॉन तो टू रेडियस ऑफ 15 कर्वेचर कितना है आपका, प्लस सेंटीमीटर 30 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, प्लस 15 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको चाहिए वी, तो वी कैसे आएगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला वन अपॉन क्या लगाओगे रूट्स टू बेटा, वन नाम याद रखना फॉर्मूले का, क्या बोलते हैं, मिरर, मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप मिरर फॉर्मूला लगाओ, तो वन अपॉन एफ इजिकल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, आपको चाहिए वन अपॉन वी, पहले फॉर्मूला अरेंज कर लेना, तो वन अपॉन वी इजिकल टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू आ जाएगा, ठीक है। तो वन अपॉन एफ कितना है देखो, तो सेवन एफ, बाय सिक्सटी हाँ सेवन बाय सिक्सटी ओके, अभी जस्ट चेक कर लेते हैं ना, तो वन डिवाइड बाय यू कितना आ रहा है आपका, -20 आ रहा है, तो यहाँ से हम जैसे इसको हम कर देते हैं 15 × 20, तो 15 × 15 कैंसिल, ये 20 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है, तो यह जाएगा 35 डिवाइड बाय 15 × 20, अब 5 से कैंसिल कर दें, अपॉन 16। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 डिवाइड बाय 60, पर ये आपके वन अपॉन यहाँ वी पे की वैल्यू है, -60 आएगा ना, क्या बेटा, -60 आएगा आएगा ना,
माइनस यहाँ पे कैसे आएगा? मल्टीप्लाई कर रहे तो 20 में माइनस है। अरे भाई ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया माइनस एक ही तो पर नीचे तो स्टेप। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अरे एक ही तो स्टेप स्किप करी है मैंने, उसी स्टेप में कंफ्यूज हो रहे हो। इसको कैसे लिखोगे? 1/15, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20। यस सर। और हर्षित बोल रहे कि वो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस तो हाँ सर मल्टीप्लाई आ होगा। गया आ गया आ नहीं गया, नहीं समझ नहीं वो आ तो लिखा है, गया। मैं तो ये वाली स्टेप, ये वाली स्टेप स्किप करी थी, मैं सोचा आ गया आपको तो मैं स्किप कर गया उसे। और वैसे भी वी आपका प्लस में ही आना चाहिए ना, कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो वी आपका प्लस में ही आने चाहिए। तो वी कितना आ गया? 60/7 है ना, बिहाइंड द मिरर। अब एम निकालना है आपको, तो एम इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस बी अपॉन यू। अब मुझे बताओ इसमें एम जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा? तो 1 से बड़ा सर आएगा, 1 से बड़ा है वन से हमेशा, तो 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आएगा 1 से बड़ा आएगा। तो डिमिनिश्ड बनेगी सर इमेज। अरे ये बताओ मुझे, रियर व्यू मिरर में सर 1 से कॉन्वेक्स मिरर छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा ना बेटा? रियर व्यू मिरर में क्यों यूज करते हैं इसको? क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। अच्छा ये बताओ एम जो आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? सर प्लस का आएगा, सर 7/1200, प्लस सेवन बाय प्लस का आएगा, क्योंकि सेवन बाय वर्चुअल ट्वेल्व एंड हंड्रेड इरेक्ट प्लस इमेज का बनेगी। तो ये आप कैलकुलेट करके भी सर। आंसर, कैलकुलेट करके भी आंसर सर आएंगे, पर एक चीज आप बताइए सर, मेरे एक चीज समझ में नहीं आई, ये 1 से छोटा कैसे होगा? 7/1200 वन से छोटा थोड़ी ना है। सॉल्व तो करो सर आप। इसका एच, सर एच डैश तो 2.14 ही आ रहा है, तो छोटा ही तो है। अभी रुको, अभी सॉल्व कर लेते हैं ना आपको। आप देखो एम निकाल लेते हैं अपन यहाँ से। एम इज इक्वल टू, देखो आप एम इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू देखो कितनी है। वी आपका है 60/7, ये वी हो गया आपका। यू कितना है? देखो 0.49 यू है माइनस आपका। 20, ठीक है। अब इस माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ये कट जाएंगे मतलब एक दूसरे से। तो ये 60/7 ये आ गया और 20 ये आ गया, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स कैंसिल कर जाएगा इसको। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास? 3/7। मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 0.429 3/7। तो आप जरा एक छोटी सी बात देखो यहाँ पर, कि मैग्निफिकेशन प्लस का आ रहा है कि यस नहीं आ रहा है बताओ मुझे। तो सर आ यस रहा सर है, आ आ रहा रहा है है। सर। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 3 में 7 का यस डिवाइड दोगे तो 1 से तो छोटा ही आएगा, नहीं यस आएगा? सर यस सर 3 में 7 का डिवाइड यस सर। दोगे तो, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट और सर इसको डिमिनिश्ड। ऐसे भी कर सकते हैं ना कि सर सर इसमें अपन को एनलार्ज जैसे बनेगी ना प्रॉपर्टी, इमेज सर, इमेज इनलार्ज कैसे एनलार्ज होगी? कैसे बने होगी? देखो जरा एम इज, एम का फॉर्मूला लगाओ। एम इज इक्वल टू क्या होता है? डिमिनिश्ड एच डैश सर, डिवाइड बाय डिमिनिश्ड एच होता बनेगी है। सर, इधर देखो डिमिनिश्ड एक बनेगी। सेकंड, एक सेकंड पहले देखो क्वेश्चन पूछा है ना आपने। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? एम इंटू एच आ जाएगा। अब एम की वैल्यू तो आपने निकाली है 3/7, और एच की वैल्यू आपको दे रखी है 5, ठीक है। 2.14 5 3 जा कितने हो गया? 15, 15/7। जरा डिवाइड करो तो सर, इससे टू इसको, पॉइंट वन फोर 2.14, 2.14 सेंटीमीटर, 2.14 वन सेंटीमीटर। तो ये आपकी इमेज की साइज है, इमेज आ रही है आपकी 2.14, और आपको ऑब्जेक्ट था यस 5 सेंटीमीटर का। तो कैसी इमेज बन रही है? डिमिनिश बन रही है या इनलार्ज बन रही है? डिमिनिश डिमिनिश्ड, और उसको डिमिनिश बननी भी तो डिमिनिश डिमिनिश थी। केस ही अपन ने दो ही देखे हैं उसमें, और दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही तो बन रही है। तो अपना आंसर भी सही आ रहा है, और जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है यस वो सर कॉन्सेप्ट भी सही हो गया है कि नहीं? ठीक यस सर यस है। हाँ चिन्मय, अब यस क्या पूछना है बताओ? नो सर, डाउट नो डाउट, सेम क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं, नो डाउट, कॉपी में करके एक एक डाउट को क्लियर करना यस है। सर, होना ही नहीं चाहिए डाउट अगली बार जब क्वेश्चन करो ना, तो कैलकुलेशन में ना कहीं कहीं ये एलसीएम लेने में कहीं भी कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी इसमें चाहिए। अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू से। हाँ वो कराया तो था मैंने, कल ही तो करवाया है, वैसे भी कर सकते हो आप, वो भी आंसर सेम आएगा। ये तो मुझे बस आपको दिखाना था कि एम की सर वैल्यू आज देखो। भी एक शीट पोस्ट, हाँ शीट्स में दे सर दूंगा। आपने जो शीट पोस्ट की, सर आपने जो शीट पोस्ट की थी उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस थे? सिक्स क्वेश्चन उतने ही थे देखो जितने इसमें हैं, उतने ही सर, सिक्स क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस थे। 600 में, मैं देखा नहीं एक्चुअली। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में दे रखे हैं एन ऑब्जेक्ट। अब ये आप लोग सॉल्व करना है ना, मैं ओनली डेटा सर हो लिस्ट कर गया रहा हूँ। सॉल्व।
एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 है, एक बार मैं ऊपर डेटा लिस्ट कर देता हूँ फिर मैं आपसे आंसर ले लूंगा, है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, तो एच कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो यू की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस में, ठीक है। यू हमेशा किस में रखा है, माइनस में, माइनस 27 आ जाएगा। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि मिरर कौन सा है आपका, ये कॉनकेव मिरर, मिरर जो है वो कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर है, इसलिए जो ये वैल्यू है किसमें आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। आगे देखो आप, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द स्क्रीन इज प्लेस्ड, तो स्क्रीन को मिरर से कितनी दूर रखा जाए, तो स्क्रीन जहाँ रखोगे वहीं तो इमेज बनेगी, तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि भाई इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज की डिस्टेंस बतानी है आपको, बाकी सब। हाँ बताओ, ऐसा करो ऐसा करो नहीं, एंजल मैसेज में टाइप करो, मैसेज में टाइप करो, आपका पर्सनल वाला करके मैसेज में टाइप करो, ठीक ठीक है। तो वन अपॉन एफ इजिकल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी लगाओगे, तो वन अपॉन बी इजिकल टू कितना जाएगा, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे आगे, तो वन अपॉन बी इज इक्वल टू, आपको हाइट आ गई क्या, हाँ हाइट आपने 7 भेजा है, 7 सेंटीमीटर, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी है भाई, माइनस 18, तो माइनस 18 आ गया यहाँ पर, तो और माइनस वन अपॉन यू, यू इज हाउ मच, माइनस 27, तो ये माइनस 27। तो देखो मैं किस तरह से ब्रैकेट्स यूज कर करके सॉल्व कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है ताकि ये साइंस की दिक्कत ना हो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वन अपॉन कितना जाएगा, 27, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेना आप, या मेरी तरह डायरेक्ट कर देना, जैसे आपकी इच्छा हो। तो 18 से 18 कैंसिल, तो माइनस 27 आ जाएगा यहाँ से, और प्लस 27 से 27 कैंसिल, और यहाँ कितना जाएगा, 18, ठीक है। और आपकी 18 में से ये माइनस करो कितना जाएगा, माइनस 9, Yes, sir. तो माइनस 9 कर देते हैं, नीचे 18 इंटू 27 कर देते हैं, और 9 टू जा 18 कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस 1 डिवाइड बाय 7 टू जा 54, ठीक है। तो 1 अपॉन b, तो b इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस 54 सेंटीमीटर। और बात भी सही है कि अपने कॉनकेव मिरर की ज्यादातर जो इमेजेस है वो कैसी बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनती है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब रही बात इससे आगे, आप मैग्निफिकेशन, ठीक है, जिनमें चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हुई है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे। सर हाइट प्लस 14 आएगी, हाइट अभी अभी देख लेते हैं ना, हाइट भी निकाल लेते हैं, माइनस। तो सबसे पहले ऐसा करो, मैग्निफिकेशन निकालो माइनस वी अपॉन यू से, ठीक है। तो माइनस वी की वैल्यू कितनी, माइनस 2 आएगा, माइनस 54 आ गई यहाँ से, यू कितना है आपका, माइनस 27 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 2 आएगा ना, 27 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन आएगी आपकी माइनस 2। तो वैसे भी अगर आप माइनस, तो माइनस तो कैंसिल हो गया ना बेटा, मैं जो गलती कर, माइनस माइनस का 27 था, माइनस का 54 था, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, ठीक है। और वैसे भी लॉजिकली लॉजिकली देखा जाए तो आपकी जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर कैसी बननी चाहिए, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कैसी बननी चाहिए, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, माइनस 14 आएगा, हाँ यह ठीक है। और ये 2 क्या बता रहा है, इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, Enlarged. है, क्योंकि ये greater than 1 आ रहा है, ठीक है। अब रही बात height की, तो m is equal to क्या होता है, h dash divide by h होता है, minus 14, तो h dash is equal to कितना जाएगा, mh आ जाएगा, ठीक है। अब m कितना है आपका, minus 2 है, और height कितनी है आपकी, plus की 7 है, तो 7 2 से minus 14 सेंटीमीटर। तो आप बेटा ये चीज ये नोटिस करो कि जब मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो मैं लिखता किस तरह से हूँ, समझ रहे हो आप, ये चीज नोटिस करो, yes, कि जिस समय मैं लिखता हूँ ना चीजों को, किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, ये चीज आप नोटिस करो। स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को,
नो सर, सर आपने भी वो कर दिया ना सर अपनी। हाँ हाँ सर वापिस हो गई। हो जाएगा भी। आया समझ में? ठीक है ना, आगे स्क्रीन वापिस। तो ये इस तरह से इसका आंसर आएगा। yes, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये दे रखा है आपको, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज रियल इमेज। अब देखो जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा ओनली वही स्टूडेंट आंसर करेगा। ठीक है, जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा वही स्टूडेंट आंसर करेगा। तो इसमें दे रखा है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज रियल इमेज। तो मैग्नीफिकेशन लिखना है आपको। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, थ्री टाइम्स है तो थ्री आएगा। आपको बताना ये थ्री प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। सर मैं बताऊं, थर्ड माइनस का आएगा। एक मिनट रुको, इसको माइनस का आएगा सर, प्लस का आएगा, प्लस प्लस। चलो एक ने तो आंसर दे दिया प्लस आएगा। और हर्षित सर माइनस माइनस एक्सप्लेन नहीं करना, बस आंसर देके छोड़ना है। हाँ, और एंजल सर माइनस का आएगा, माइनस आएगा। ये देखो ना, रियल इमेज बन रही है। तो रियल इमेज जो बनेगी कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में जो रियल इमेज बनेगी वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी या बिहाइंड द मिरर बनेगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द, और जो भी, और जो भी रियल, हाँ जो भी रियल इमेज माइनस का आएगा, जो भी रियल इमेज बनेगी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी ना, ये तो सीखा है आपने। तो यह क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर है ये, माइनस 30 आएगा इन फ्रंट ऑफ इट। हाँ, तो यू इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको बताना है, कर दोगे? एम इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, माइनस 30 सेंटीमीटर। हाँ, पहले यहाँ से अपन इसका फॉर्मूला सेट कर, माइनस माइनस तो कट जाएंगे ना। अभी रुको तो सही, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू है आपके पास। तो एम दे रखा है, एम रख दो माइनस 3, ये माइनस, ये वी, और यू कितना है आपका, यू देखो माइनस 10, तो माइनस 10, इस माइनस से वाला माइनस काट दो, तो वी इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस 30 सेंटीमीटर। तो वैसे भी इन फ्रंट ही बननी थी उसको। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। तो आपने क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस का कितना बड़ा रोल है? फॉर्मूला तो एक ही है। yes, फॉर्मूला याद, फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तीन छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, F is equal to R by 2 और 1 upon F is equal to 1 upon U plus 1 upon B और M is equal to H dash by H is equal to minus V upon U। फॉर्मूले तो तीन ही हैं छोटे छोटे से, पर ये जो माइनस प्लस के हैं चक्कर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। लॉजिक इस जितना मैंने बताया है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी लॉजिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही लॉजिक से सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हमें, जैसे आप इस क्वेश्चन में हमने कैसे ढूंढा कि कॉनकेव मिरर है, यहाँ रियल इमेज लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है लार्ज इमेज तो बिहाइंड द मिरर भी बन रही हो, इसका सिक्स केस बन रहा हो, पर वो रियल इमेज थोड़ी होगी, वो तो वर्चुअल होगी। अगर वर्चुअल लिखा होता तो ये मैग्निफिकेशन माइनस की जगह किसकी आ जाती, बोलो, प्लस की आ जाती। ठीक है, प्लस की आ जाती। ये जो माइनस और प्लस है ये बताता है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है या इरेक्ट है। और ये थ्री, ये वन से ज्यादा है, वन से छोटा है, बताता है कि इमेज जो बन रही है वो एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है। ठीक है, समझ में आई बात? तो सर ये तो एनलार्ज होगी ना? हाँ, एनलार्ज क्वेश्चन में ही दे रखा है, एनलार्ज मैग्नीफाइड है, थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यस सर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका क्या आंसर आएगा? yes, ये आपके वो ब्रिज कोर्स में था ना, ये ब्रिज कोर्स 16 आएगा इसका, 16 आएगा। F is equal to R by 2 लगा देना तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक सीबीएसई के आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कर अपन ने करे हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है